आज हम क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट एंटर, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द सर्टेन प्लेन। ये प्लेन है, इसमें दो लाइन है, तो ये होगी, ये ओरिजिन हो गया 0 0, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये होता है आपका। इस पे एक्स की वैल्यू आती है जैसे 1 2 3 4 5, इस पे माइनस की होती है एक्स की वैल्यू, ये प्लस की वाई की वैल्यू है बेटा, ये माइनस की वाई की वैल्यू, ये होता है। इसके कितने पार्ट हो गए बेटा? 4 पार्ट हो गए, 4 चतुर्थांश हो गए, क्वाड्रेंट्स हो गए। फर्स्ट इसमें देखो बेटा, एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, वाई की वैल्यू भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट्स, इसमें एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस की आ रही है, वाई की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस की आ रही है। थर्ड, एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस की, और वाई की वैल्यू भी कैसी आ रही है बेटा, माइनस की आ रही है। फोर्थ, एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस की, और वाई की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, माइनस की। अब आपसे बेटा 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द सर्टेन प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल क्या हो गया बेटा, ये हो गया, तो इसका नाम तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो पहला नाम तो क्या आ गया बेटा, एक्स एक्सिस। दूसरा क्या है, वर्टिकली क्या होगी, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एज एज पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाई दिस टू लाइन, ईच पार्ट क्वाड्रेंट्स क्या है बेटा, ये भी क्वाड्रेंट्स हैं, ये भी क्वाड्रेंट्स हैं, ये कितने क्वाड्रेंट्स हैं बेटा, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट्स, क्लियर है। थर्ड है बेटा, व्हाट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये टू लाइन, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओरिजिन, क्या होगा ये 0 0, इसको जनरली ओ से डिनोट करते हैं, क्लियर है, बेसिक चीज है। सेकेंड क्वेश्चन है, सी फिंगर एंड राइट द फॉलोइंग, इस चित्र को देखना है, फोटो करना है, ये टॉप पॉइंट क्लोज पॉइंट ओरिजिन को है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, फिर वाई के फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्लियर। अब हमें क्या कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर फाइंड करने। फर्स्ट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखने से पहले जैसे बी के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो पहला जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू होता है, एक्स एक्सिस के देखो, एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ किस पॉइंट पे लिखा है, इसलिए माइनस का वाई, तो बी का एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, माइनस वाई, फिर वाई भी लिखेंगे, वाई का कितना है 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, -5 2, इसको क्या पड़ेगी, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, -5 2, वाई की, वाई एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस पे पॉइंट कितनी डिस्टेंस है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी देखूंगा ये रहा, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, -5 2, सी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, पहला किसकी वैल्यू लिखेंगे, एक्स पे कहाँ पॉइंट पे, 1 2 3 4 5 पे, क्या है, क्या है, 5, वाई पे क्या बेटा, वाई पे -5, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 5 4 -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट्स -3 और 5, -3 किसकी वैल्यू है बेटा, एक्स की, एक्स पे -3 आ जाएंगे, और वाई की वैल्यू क्या है बेटा, -5 -5, कहाँ कौन सा पॉइंट है बेटा, ये ई, ई की क्या है, -3 एंड -5, तो कौन सा पॉइंट होगा, ये ई पॉइंट, ई, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 एंड -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 4 -4 2, एक्स एक्सिस पे 2 देखोगा ये, वाई एक्सिस पे -4, कौन सा पॉइंट है बेटा, ये
जी, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा इसका आंसर, पॉइंट जी टू एंड माइनस द एबीसीएस ऑफ द पॉइंट डी। एबीसीएस है और ये क्या होगा बेटा, इसमें देखो एबीसीएस होती है बेटा एक्स की वैल्यू ऑफ एक्स और ओडीएल क्या होती है वैल्यू ऑफ वाई। किसकी बात कर रहा है बेटा, ये पॉइंट डी अदर कुछ डी पॉइंट देखेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स पे कितना कोऑर्डिनेट्स है इसका बेटा 6 और वाई पे क्या है 2। तो इसका बेटा एबीसीएस क्या हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू होगी क्या है इसका एबीसीएस बेटा 6, क्या आ जाएगा इसका एबीसीएस 6 और ओडीएल क्या होगा इस पॉइंट का 2। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसका द ओडीएल ऑफ पॉइंट एच, एच का आंसर क्या है, एच की वैल्यू क्या निकाले थे कोऑर्डिनेट्स निकाले, एक्स की वैल्यू क्या है -5 और वाई की वैल्यू -3, इसका ओडीएल क्या हो जाएगा बेटा, ओडीएल क्या हो जाएगा -3, ओडीएल क्या आएगा इसका -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल का आंसर है, अब देखो एक्स एक्सिस पे बेटा हमेशा एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वहां वाई की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो पॉइंट क्या है ट्रैक वाई एक्सिस पे है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहां पे 0 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 5। तो पॉइंट एल की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 एंड 5। पॉइंट एम एम देखो यहां मैंने कहा वाई की वैल्यू क्या होगी एक्सिस पे 0, एम की वैल्यू क्या है -3 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो क्या आ जाएगी इसकी कोऑर्डिनेट बेटा -3 एंड 0। अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पूरे कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए ठीक है दोबारा देख लो बेटा, किसी कोऑर्डिनेट के द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, तो पहली जो संख्या होगी बेटा एक्स एक्सिस की होगी, दूसरी किसकी होगी वाई एक्सिस की होगी। यह एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है -5, क्लियर है, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है एक्स पे -5, वाई से कितनी दे क्या आ गया -5.2। सी का भी ऐसे सी देखो ये रहा एक्स एक्सिस पे कितने चले 5, वाई एक्सिस पे कितने चले -5, क्लियर है। आइडेंटिफाई करना है -3 एंड -5, -3 एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -5, क्या जाएगा ई आर इसकी वैल्यू क्या है -3 और 5। बेटा एबीसीएस क्या होगा वैल्यू ऑफ एक्स और ओडीएल क्या होगा वैल्यू ऑफ वाई, अच्छी चीज़ें हैं एबीसीएस वैल्यू ऑफ पॉइंट एक्स, कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू और ओडीएल वाई की वैल्यू, क्लियर।